बाजार एक ऐसी जगह जहां अगर आप जाकर पैसे खर्च करते हैं तो आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन ये बाजार, ये रविवार बाजार जो गांव में है, यहां जब आप आते हैं तो पैसों की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आपको कपड़े एकदम फ्री में मिलेंगे। आप आइए और अपनी पसंद से कोई भी कपड़ा उठा करके लेते जाइए। यहां कपड़े कैसे आते हैं? यहां पर कपड़े आप जैसे लोग देते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे दिल्ली में मंजरी जी के पास उनके बहुत से पुराने कपड़े थे। उनको लगा कि इनकी अब उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास अब नए वाले कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं। तो उन्होंने उन कपड़ों को दिल्ली से गाजीपुर मेरे पास भेज दिया। और फिर मैंने क्या किया, उनको खूब अच्छे से सजा करके एक जगह पर डिस्प्ले कर दिया और गांव के लोग आए और एक एक करके अपनी पसंद से उन कपड़ों को छांट करके अपने घर लेते चले गए और इस्तेमाल करने लगे। इस तरह से ना मेरा यानी सिद्धार्थ का कुछ लगा और ना मंजरी जी का कुछ लगा, लेकिन हाँ इतना जरूर हुआ कि मंजरी जी के प्रयास से एक अच्छा काम जरूर हो गया। ऐसे ही सुशील अग्रवाल जी जो भारत विकास परिषद से हैं, उनकी एक कपड़े की दुकान भी है। उनकी दुकान पर कुछ ऐसे कपड़े थे जो उनके लिए उपयोगी अब एकदम भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन कपड़ों का गट्ठर बनाया और मेरे पास गांव में भिजवा दिए। मैंने क्या किया, उन कपड़ों को अलग अलग छांट लिया उम्र के हिसाब से और गांव के अलग अलग गांव के बच्चों को उपलब्ध कराने का कार्य किया। बच्चों के पास जब वो कपड़े पहुंचे तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके जन्मदिन पर किसी ने उनको कपड़े ला करके दे दिए हो। तो वैसे ही जैसे मंजरी जी ने अच्छा काम किया, वैसे आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपने पुराने कपड़े मुझे दान में देने हैं, ऐसे कपड़े जो दूसरे इस्तेमाल कर सके, फटे हुए ना हो, इस्तेमाल करने लायक हो। तो जल्दी से आइए, अपने पुराने कपड़े खोज करके और मुझे दान में दे करके जाइए, क्योंकि दूसरा आदमी जिसके पास नहीं है वो आपके पुराने कपड़ों के इंतजार में बैठा है। यह फ्री वाला बाजार केवल तब तक ही चलेगा जब तक आपका सहयोग इस बाजार को, इस कपड़े के बाजार को मिलता रहेगा। केवल आपको अपने घर में पड़े हुए, अपने दुकान में पड़े हुए अनुपयोगी कपड़ों को यहाँ पर पहुंचा देना है या कॉल कर देना है, हम उसे मंगा लेंगे। एक और चीज, गांव में हम एक एस्ट्रोनॉमी लैब बना रहे हैं जहां से लोग अंतरिक्ष दुनिया देख सकें, पढ़ सकें। इसके लिए आपको सिर्फ अपने घर का पुराना लोहा, कबाड़ वाला लोहा मुझे दान में देना है। तो जल्दी करिए।